हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ट्रू मैथ्स आज हम लोग सेट्स का लेक्चर फाइव देखेंगे लेक्चर फोर तक हमने सीखा था कि जितने भी सबसेट्स बनाने हैं चाहे उसमें तीन एलिमेंट हैं चार एलिमेंट हैं पांच एलिमेंट हैं तब तक तो हम लोग नंबर ऑफ सबसेट्स बना पाते हैं उसको बोलते हैं सैम्पल स्पेस मतलब जब छोटे नंबर होते हैं छोटे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो हम उनके सबसेट्स बनाते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बड़े हो जाते हैं जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स सपोज बारह तेरह पंद्रह हो गए और उसमें हमें चार एलिमेंट्स का सबसेट बनाना है या पांच एलिमेंट का सबसेट बनाना है या कुछ मतलब हम लोग कह रहे हैं कि बारह में से हमें सिर्फ पांच एलिमेंट का सबसेट बनाना है तो हमने देखा था कि हमार को इसके अंदर हम लिख सकते हैं ट्वेल्व सी फाइव एंड वी ऑलरेडी नो कि एन सी आर हमारे पास इसका मतलब होता है आर का मतलब तो एन से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए और एन सी आर का मतलब है कि आउट ऑफ एन एलिमेंट्स वी आर सेलेक्टिंग आर एलिमेंट्स एंड मेकिंग द सबसेट्स सो द नंबर ऑफ सबसेट्स व्हेन आउट ऑफ एन एलिमेंट वी आर सेलेक्टिंग आर दैट इज एनसीआर एंड विच कैन बी रिटर्न एज एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर हेयर वी कैन फाइंड आउट ऑल द नंबर ऑफ टर्म्स रिलेटेड टू डिफरेंट आस्पेक्ट अब हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हमारा ये जो सेट्स है ये बाइनोमियल से भी कंसर्न है कहीं ना कहीं ये सेट्स परमोटेशन कॉम्बिनेशन एक चैप्टर है उससे कंसर्न है और यही सेट्स चैप्टर प्रोबेबिलिटी से भी कंसर्न है आज हम लोग देखेंगे कि कहां पर बाइनोमियल एक्सपेंशन में हमारा इसमें क्या फायदा होता तो हमारा चैप्टर का ना नाम है बाइनोमियल एक्सपेंशन जब हम लोग बाय बात कहेंगे बाइनोमियल एक्सपेंशन की तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का मतलब बेसिकली क्या है हमने आपने टेंथ में देखा होगा कि हमारे फॉर्मूले होते हैं एल्जावरा में जैसे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये हमारा फॉर्मूला हुआ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर सेम वे हम लोग एक फॉर्मूला बोलते हैं एक्स प्लस वाई होल क्यूब यहां क्या फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई होल क्यूब का ये होता है एक्स क्यूब अच्छा एक चीज आप देखेंगे एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो इसका कोफिशियंट वन है ऐसे वाई स्क्वायर के आगे भी कुछ नहीं लिखा तो उसका कोफिशियंट वन है यहां पे भी एक्स क्यूब का कोफिशियंट वन है प्लस थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर प्लस वन वाई क्यूब फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं एक्स प्लस वाई होल्ड टू द्लस वाई होल्ड टू दर फोर में वन एक्स की पार फोर प्लस फोर एक्स क्यूब वाई प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई क्यूब प्लस वन वाई टू अगर हम बात करेंगे x प्लस वाई होल टू दाइव का देखिए अब यहां पे क्या है कि हमारा जो पावर्स हैं वो यहां पे पहले टू थी फिर थ्री फिर फोर फिर फाइव दिस इज कीप ऑन इंक्रीजिंग और हम लोग यहां पे फॉर्मूला बना रहे हैं वन एक्स की पार फाइव प्लस फाइव एक्स टू दाई प्लस टेन एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस अगेन टेन एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस फाइव एक्स वाई टू to वन वाई टू दाइव अब यहां देखिए एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो हमारा है हम लोग दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं टर्म को एक तो हमारा होता है कोफिशेंट यहाँ पे हम देख रहे हैं कोफिशेंट वन है यहाँ टू है यहाँ हमारा कोफिशेंट फिर से वन है ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में कोफिशंट वन कोफिशंट थ्री अगेन कोफिशेंट थ्री अगेन कोफिशेंट वन सेम वे यहाँ पे कोफिशेंट वन यहाँ कोफिशेंट फोर है यहाँ हमारा कोफिशेंट सिक्स है यहाँ हमारा कोफिशेंट फोर है यहां, है, यहां है, यहा फिर से वन यहां फिर से हमारा कोफिशेंट वन यहां हमारा कोफिशेंट है फाइव अगेन यहां पे टेन यहां पे हमारा टेन यहां हमारा फाइव है और यहां वन है आप देख रहे हैं यहां पे जो टोटल सम ऑफ ऑल दी कोफिशेंट है मतलब सम ऑफ ऑल कोफिश मतलब वन, ये टू और ये वन, ये और जोड़कर आ रहा है चार राइट सेम वे जो एक्स प्लस वाई होल क्यूब है इसमें टोटल नंबर ऑफ जो सम ऑफ कोफिशेंट है वन थ्री थ्री और वन ये जोड़ के देखेंगे तो हमारा आ जाएगा एट नेक्स्ट में हमारा ये वन फोर सिक्स फोर वन इसको अगर हम ऐड करेंगे इट कम्स आउट टू बी सिक्सटीन सेम वे यहां पे हमारा सम ऑफ कोफिशंट आएगा थर्टी टू रहे हैं तो यहां पे हमारा सम ऑफ कोफिशेंट सिक्सटीन है यहां पे हमारा एट है यहां पे हमारा थर्टी टू है यहां पे आप एक चीज एनालाइज करने की कोशिश करें कि जो हमारे टर्म्स हैं, जो हमारे कोफिशियंट्स हैं उन कोफिशेंट्स को देखें यहां पे वन यहां टू यहां वन और सम आ रहा है इसका फोर ऐसे यहां वन यहां थ्री यहाँ थ्री यहां वन और सम आ रहा है एट तो आप पहली बात तो ये जो फोर है एट है सिक्सटीन है थर्टी टू है इसको आप रिलेट कर सकते हैं इसको हम किस चीज से रिलेट कर रहे हैं टू टू दिन से और आप देख रहे होंगे जब हम सेट्स की बात कर रहे थे तो हमें पता था कि जब दो एलिमेंट्स हैं तो उसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनते थे वो जीरो एलिमेंट के वन एलिमेंट के और टू एलिमेंट के बनते थे जीरो एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनते थे वन वन एलिमेंट के कितने सबसेट्स बनते थे टू और टू एलिमेंट्स के कितने सबसेट बनता था वन और टोटल होते थे फोर आप देख रहे हैं ये जो चीज है वन टू वन और फोर दिस इज दी यहाँ पे जो हमने निकाला ना वन टू वन और फोर ये यही वाली बात है जो हमारी सेट से, से कंसर्न है पूरी अगले में देखें जब हमारे तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब ये वाला फॉर्मूला ये यहां देखेंगे तीन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में हमारे जीरो एलिमेंट्स के सबसेट वन एलिमेंट का सबसेट टू एलिमेंट का सबसेट और थ्री एलिमेंट का सबसेट अब वन एलिमेंट के कितने सबसेट थे वन यू कैन गो बैक टू योर वीडियोस ऑन सेट्स जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसमें हमने दिखाया हुआ है कि इसके कैसे बनते हैं सिंगल एलिमेंट के हमारे तीन बनते थे दो एलिमेंट के भी हमारे तीन बनते थे और तीन एलिमेंट का एक तो यहां पे हमारे टोटल नंबर ऑफ सस्पेंड बन रहे थे आठ अब ये देखिए ये जो वन थ्री थ्री वन है ना ये वाला वन इज ये वाला वन ये वाला ये थ्री जो है ये ये वाला थ्री है ये नेक्स्ट जो थ्री है वो ये वाला थ्री है

हेयर दोटल सम यहां से आप एक चीज समझ रहे हैं कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सेट्स में अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दो है तो हमारे इतने सबसेट्स बनते हैं और यह हमारा बेसिकली कहीं ना कहीं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर का फॉर्मूला डिफाइन करता है ये तो हम समझ गए कि हमारे पास ये कोफिशियंट कहां से आए अब हम बात करते हैं ये जो रिमेनिंग टर्म है जो वेरिएबल टर्म है ना एक्स और वाई के टर्म्स में उसमें हमेशा क्या है कि हमारा पहली बात तो जो समी पावर्स है वो हमारा हमेशा टू ही रहेगा तो यहां पे टू है यहां वन और वन पावर है तो टू हो गया और यहां भी टू है जब हमारा यहां पे पावर टू था एक्स प्लस वाई का तो हमारा जो पावर्स है वो एक्स की पावर एक-एक कम होती रहेगी और वाई की पावर एक, एक बढ़ती रहेगी यहां पे देखें x प्लस वाई का होल क्यूब कोफिशेंट तो आपको मैंने बता दिया सेट थ्योरी के कंटेक्स्ट में आ जाता है सबसे पहले एक्स क्यूब आया अगले में एक्स की पावर एक कम हो गई तो एक्स क्यूब से घटके तो हो गया एक्स स्क्वायर बट इसको हमने y की पावर वन या y से हमने मल्टीप्लाई कर लिया तो एक्स स्क्वायर वाई हो गया अगले में अगेन एक्स स्क्वायर से घटके तो x की पावर वन रह गई x या x की पावर वन इज वन एंड द सेम थिंग और y जो है वो एक पावर बढ़ के वाई स्क्वायर अगले में आप देखेंगे फिर से हमारा वाई क्यूब हो गया तो बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं कि समवेयर ये जो सेट्स हमारा चैप्टर है दिस इज कनेक्टेड टू एक्सपेंशन आगे जाके जब हम बाइनोमियल एक्सपेंशन की बात करेंगे तो आपको हम सेट से रिलेट करके देखेंगे कि हमारा सेट से बाइनोमियल एक्सपेंशन का क्या रिलेशन है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखना चाहेंगे कि सेट्स का रिलेशन बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ साथ परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी होता है और उसके साथ साथ प्रोबेबिलिटी से भी होता है तो हाउ वी आर कनेक्टेड दीज टू वो हमारी नेक्स्ट दो वीडियो में सेट्स में हम लोग बताएंगे और ये वाला जो वीडियो है इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बाइनोमेल एक्सपेंशन का बेसिक्स समझ में आएगा अभी हम लोग बाइनोमेल एक्सपेंशन में एक फॉर्मूला होता है उस फॉर्मुले को वर्कआउट करने की कोशिश करते हैं हम जब बात कर रहे हैं कि सेट्स को बाइनोमियल एक्सपेंशन से रिलेट करने का तो हम लोग एक बेसिक चीज बोलते हैं कि हमारे पास एक्स प्लस वाई का कुछ भी पावर हो सकता है मतलब इसका पावर दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है ऐसे ही बढ़ता रहे तो नौ दस बारह पंद्रह बीस पच्चीस पचास कुछ भी हो सकता है यहाँ x का मतलब खाली x तो नहीं है x का मतलब कोई भी टर्म ऐसे ही सेम वे y का मतलब कोई भी टर्म एक्स प्लस वाई होल्ड टू दी पार कुछ भी हो सकता है तो हम इस चीज को एन रख लेते हैं अब अब यहां पे एन की वैल्यू आप टू रखें एन की वैल्यू आप थ्री रखें या एन की वैल्यू फोर रखें या एन की वैल्यू टेन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन कुछ भी रखें तो हम लोग देख रहे हैं कि हमें एक्स प्लस वाई की पार कुछ भी अगर आता है तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं कि पहला टर्म जो आएगा वो आएगा एन सी रो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि सी जीरो जो है इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ एन एलिमेंट्स वी आर मेकिंग अ सबसेट ऑफ एलिमेंट्स तो सी जीरो मतलब आउट ऑफ एन एलिमेंट वी आर मेकिंग अ सबसेट ऑफ एलिमेंट एंड अब आप बता सकते हैं कि एन सी वन का क्या मतलब सी मतलब का वन का मतलब आउट ऑफ एन एलिमेंट वी आर मेकिंग द सबसेट ऑफ वन एलिमेंट समझ रहे हम लोग एक और टर्म लिखते हैं एन सी टू अब आप समझ गए कि एनसी वन का मतलब एक एक एलिमेंट के सबसेट्स एन सी टू का मतलब दो दो एलिमेंट के सबसेट्स ऐसे ही अगर मैं लिखूंगा एनसी थ्री का मतलब तीन तीन एलिमेंट्स के सबसे तो यहां पर एनसी जीरो तो कोफिशियंट हो गया और यहां पे हमने लिखा x टू दी पार n क्योंकि जो भी हाईएस्ट पावर है वो n में होगी उसके बाद प्लस टर्म आया एनसी वन ये कोफिशियंट हो गया और x की पार तो हो जाएगा n माइनस वन क्योंकि मैंने बताया x की पार वन वन एक कम होती रहती है और y फिर हमारा नेक्स्ट प्लस आ गया हमारा एनसी टू में आया x की पार n माइनस टू देखिए एक और पावर कम हो जाएगी और यहां पे y स्क्वायर हो जाएगा अगला हमारा टर्म आएगा एनसी थ्री एक्स की पार एन माइनस थ्री और वाई की पार थ्री और हम ऐसे ही इन टर्म्स को कनेक्ट करते रहेंगे आप इसमें देखें लास्ट टर्म आएगा एन सी एन क्योंकि आपने देखा था कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से हम लोग मैक्सिमम एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सबसेट बना सकते हैं और यहां पे वाई टू अगर मैं ध्यान से देखूं इसके पहले वाली टर्म तो आप समझने क्या आएगी एन में से हम लोग सेलेक्ट करेंगे मतलब सबसेट बनेंगे एन माइनस वन एलिमेंट्स का एक्स की पावर तो वन रह जाएगी यहां पे और वाई की पावर हो जाएगी एन माइनस वन सो दिस विल बिकम अ फॉर्मूला जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि एन एलिमेंट्स में से जीरो एलिमेंट का सबसेट एन एलिमेंट में से वन एलिमेंट अब देखिए एन एलिमेंट में से वन एलिमेंट का सबसेट जब मैं कह रहा हूं तो ये ये मतलब है एनसी वन तो मैंने बताया ना कि लास्ट वीडियो में एनसीआर एनसीआर का मतलब क्या है आउट ऑफ एन एलिमेंट्स एन एलिमेंट में से हमें आर एलिमेंट के सबसेट्स बनाने हैं दैट इज एनसीआर और इसका फार्मूला क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया कि हाउ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेट्स इज रिलेटेड टू बाइनोमियल एक्सपेंशन दिस इज द चैप्टर ऑफ बाइनोमेल एक्सपेंशन जब हम बाइनोमेल एक्सपेंशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो भी हम इसी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे और उससे में हम लोग लो कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। अगर आपको यह बात नहीं समझ में आई है तो आप या तो पुरानी वीडियोस देखिए और अगर फिर भी कोई डाउट है तो हमारा ऐप डाउनलोड करें और उस पर जाके आप डाउट सॉल्विंग में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं वी विल ऑल्सो ट्राई टू डिफाइन जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग कोशिश करेंगे डिफाइन करने का सो दैट एवरी स्टूडेंट विल एक्चुअली अंडरस्टैंड कि सेट्स जो है उसका कितना यूजफुलनेस है फॉर ऑल द थ्री रिलेटेड चैप्टर्स आपको अगर सेट्स बहुत अच्छा आता है तो अगले तीनों चैप्टर्स में आपका काफी अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा अगर कोई बाय द वे इसमें दिक्कत है तो आप डाउट्स पे जाके पूछें और अदरवाइज आपको अगर समझ में आता है तो यू कन्वे टू योर फ्रेंड्स क्योंकि ये हम लोगों ने वीडियोस बनाई है रिसर्च करके और हमने ये देखा कि हर बच्चा जो जो हमारी वीडियोस ऑफलाइन या ऑनलाइन देखता है सबको समझ में आता है और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो अगेन आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या प्रॉब्लम है सो दैट वी कैन इन्हेंस इट इन द लेटेस्ट स्टेजेस आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें डाउट सॉल्विंग बोलें थैंक यू वेरी मच